और जिसमें हमें पता चला कि ईयर जो है उसका फंक्शन क्या है, हमारे जो आईज होती है किस तरह इमेज देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू सी एन इमेज? सो यू कैन सी एन इमेज अपसाइड डाउन। हमें पता है कि जब हमारी आई ऑब्जेक्ट में कोई लाइट फॉल करती है, आफ्टर द फॉलिंग ऑफ दैट लाइट होता ये है कि जो इमेज हमारे रेटिना में कम होती है, दैट इज अपसाइड डाउन, वो हमें उल्टी नजर आती है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उस इमेज को रिलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उस इन्वर्ट इमेज को रिलेट कर देता है, वो हमारा ब्रेन होता है। वैसे इमेज जब अपसाइड डाउन हो जाती है। द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज अ ह्यूमन ब्रेन हेल्प यू टू हियर? ह्यूमन ब्रेन आपको किस तरह हेल्प करता है आपको सुनने में? सो द ह्यूमन ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन टेल्स द वाइब्रेशंस इनटू साउंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। वो आपकी वाइब्रेशंस को जो है वो साउंड में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम पहचान सकते हैं। तो हमें पता होता है कि कौन सी आवाज़ हमारे मदर की है, कौन सी फादर की, कौन सी आवाज़ डॉग की होती है, कौन सी आवाज़ कैट की होती है। तो हमारा जो ब्रेन है मिडल ईयर में जाती है। तो होता क्या है, व्हेन इट गोज इनटू द मिडल ईयर वेयर इट हिट्स द ईयर ड्रम, मिडल ईयर में आपका होता है ईयर ड्रम, जहाँ पर जाके ईयर ड्रम को हमारा जो साउंड है वो वाइब्रेट करता है जोर से। जब वो वाइब्रेट होता है तो जो ईयर ड्रम होता है वो टर्न द साउंड, जो साउंड होता है उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, और वो वाइब्रेशन जो है हमारे इनर ईयर में जाती है, और इनर ईयर में से देन इट पार्ट्स ऑन टू द ब्रेन, और हमारा ब्रेन जो है वो बताता है कि हमें क्या आवाज़ उसने रिकॉग्नाइज की होती है, कि हमने क्या आवाज़ सुनी और क्या नहीं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस किए, नाउ लेट्स यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू अरेंज देम। सो हियर डू इट, आई एम गोइंग टू अरेंज द फर्स्ट वन एंड राइट द अदर वन क्वेश्चंस, सो वी डोंट वेस्ट आवर टाइम।
स्मेल है, इट अलाउज अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग, और ये हमें टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि कुछ फूड्स की जो सेंसेशन होती है वो इतनी अच्छी होती है कि हम उसको उसकी स्मेल से ही जो है वो हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो जाग जाते हैं, और उसकी स्मेल जो होती है वो हमारे टेस्ट बड्स को वो जगा देती है, इसलिए वो हमें हेल्प करती है टेस्ट करने में। उसके बाद व्हाट कॉजेज यू टू स्नीज, जब हमें छींक आती है, जब हम स्नीज करते हैं तो वो क्या होता है, एक्चुअली हमारी नोज़ के अंदर छोटे छोटे से हेयर होते हैं, हमने पढ़े थे सीलिया जिसे हम कहते हैं, जब कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज़ के अंदर जाता है और वो उस जो सीलिया होता है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स जब ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो होता ये है कि हमारी नोज़ जो है वो इरिटेट होती है, जब हमारी नोज़ के अंदर इरिटेशन होती है तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, हमें छींकें आना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू कम्प्लीट दिस वर्क, कम्प्लीट इट, ओके। आफ्टर दैट स्टूडेंट डू इट, ओके स्टूडेंट्स, क्लास 3, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।